Hello and welcome friends. Today we are going to learn about LibreDatabase, means base database. So how can we use base database? I gonna teach you. So let's start this video, and first of all we have to open a LibreOffice software package, and in the package of LibreOffice we find base database. So click on base database. हमें base database के ऊपर click करना है, और इसके बाद हमें यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये दो चीजें आपको दिखेंगी, आप ये HSQL DB embedded इसको आप सेलेक्ट रखिएगा, ठीक है, और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और यहां से रजिस्टर नहीं करना है आपको, ठीक है, यहां से रजिस्टर मत कीजिएगा इसको, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, आप ये सेव करने के लिए बोलेगा, आप जो भी नाम देना चाहें यहां पे दे सकते हैं, ओडी को सेव करते हैं, मैं इसको एक नाम दे देता हूं। अब ये सेव हो गया, अब ये इस तरह से खुल करके आपके सामने आएगा। यहां पर आपको टास्क में तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल और क्रिएट व्यू, ठीक है। आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले डिजाइन व्यू में जाना होता है। तो पहले हम डिजाइन व्यू में चलेंगे, यहां पर हम डिजाइन व्यू में आ चुके हैं, आप देखिए ये इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें स्टोर कराना है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे दिया। यहां से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए ये छिप जा रहा है, इसमें हाइड हो जा रहा है, सो वी कैन इंक्रीज द विथ ऑफ द फील्ड नेम, ठीक है, यहां से इंक्रीज कर लिया हमने। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबर रख लेता हूं, न्यूमेरिक वैल्यूज हमें इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल करनी है, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है, ये यहां पर चूज कर लिया, और यहां पर अब मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट, और यहां लगाया मैंने अंडरस्कोर, ठीक है, फर्स्ट नेम। अब यहां पे वेर कैर यानी वेरिएबल कैरेक्टर में रहने देता हूं, एफ आई आर एस टी होता है, यहां पे सही कर लेते हैं, ये हो गया, और यहां पे अब लास्ट नेम करता हूं, ठीक है, लास्ट, और फिर लगाया अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब यहां पर कर सकते हैं हम एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन वन, ये कर दिया हमने, और वेयर कैर, देखिए इसकी साइज जो है कितनी रख रहे हैं हम, यहां पे साइज देख सकते हैं 100 रख रहे हैं, ठीक है। अब एड्रेस लाइन टू करते हैं, यहां पे ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, सिटी करना है हमें, सी आई टी वाई लिखा हमने। अब यहां पर आइए, कोई देखते हैं डेटा टाइप हमारे पास मौजूद है या नहीं, यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे डेटा टाइप हमें दिख रहे हैं, इतने डेटा टाइप आपको एक्सेस में नहीं दिखते थे, लेकिन यहां पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं। यहां पर ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो यहां टीनी इंटीजर, फिर यहां बिग इंटीजर, इमेज, ये सारी चीजें यहां पे दिख रही हैं। अगर आप इमेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो में डालूंगा, यहां पे इमेज पे क्लिक करके, और इमेज को भी इसमें स्टोर कराया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल हमें यहां पे क्या स्टोर कराना है, हमें यहां पे स्टोर कराना है टेक्स्ट, तो मैं यहां पे टेक्स्ट ही रख देने वाला हूं, वेरिएबल कैरेक्टर ही रखता हूं, ठीक है। आगे चल करके हम इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना सीखेंगे, फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर वीडियो है। तो यहां पर जैसे ही अब हम इसको सेव, ये देखिए सेव वाला बटन है, आप यहां से भी जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये कहेगा कि अब इस टेबल को आप क्या नाम देना चाहते हैं, फर्स्ट टेबल, ओके, यहां पे माई फर्स्ट टेबल मैं नाम दे देता हूं, और यहां से ओके प्रेस करता हूं। जैसे ओके प्रेस करूंगा तो ये बोलेगा कि यहां पर आपने प्राइमरी की असाइन नहीं करी है, तो हमको प्राइमरी की बनाना है, किसको, इसको बनाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहां पर रखेंगे कर्सर को, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे तो यहां प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये प्राइमरी की बन गया। अगर आप किसी और को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देख सकते हैं हमने लेंथ जो है बहुत ज्यादा रख दी है, न्यूमेरिक जो डेटा है यहाँ पे लेंथ 100 रखी है, इतना ज्यादा हमें नहीं रखना है, हम 10 तक रखेंगे, ठीक है, ताकि 10 वैल्यूज के अंदर ही, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी इंटर करेंगे वो 10 अंकों का होना चाहिए, 10 अंकों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, आई थिंक की बात समझ में आ रही होगी। अगर डेसिमल प्लेस अगर लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं, हमें जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। चलिए अब यहां से इसको करते हैं सेव, सेव कर दिया हमने, अब हमको यहां से इसको कट करना है, ठीक है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं,
प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ यूनिक की, यहां पे मैं लिखता हूं प्राइमरी की इज अ से की एक ही होगी ये टेबल में, ओके ये लिख दिया हमने। इसी तरह से और भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको कट करता हूं यहां से। तो ये यहां पर माई फर्स्ट टेबल के नाम से यहां पर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे डबल क्लिक करूंगा मैं तो यहां पर ये इस तरह से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें देना है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दिया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम देना है राम, लास्ट नेम देना है सिंह, एड्रेस लाइन जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया न्यू कॉलोनी देवरिया, ये दे दिया हमने। और यहां पर एड्रेस लाइन टू स्टेट दे दिया हमने यूपी, ठीक है। सिटी दे दिया हमने देवरिया यहां पे जाकर के। अब यहां पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, टैब प्रेस करते जाएंगे तो ये काम करेगा ऐसे, ये आ गए और यहां पे आ गया अवनीश, हो जाएगा सिटी का नाम, ओके। इस तरह से करके हम एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड एंट्री मैं कर रहा हूं जावेद, ठीक है, ये फर्स्ट नेम दे दिया, और आलम दे दिया सेकंड नेम, ठीक है, लास्ट नेम इंक्रीज कर लेते हैं विथ इसकी, यहां पे कर दिया हमने भुजौली काल भी स्टेट से रिलेटेड होंगे वो दे देंगे, यहां से इसकी भी विथ को इंक्रीज कर लेते हैं, छोटा पड़ रहा है ये, और यहां पे दे देंगे देवरिया। इस तरह से करके हम इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। आगे की चीजें हम आगे सीखते चलेंगे, जब इसको सेव करना है तो यहां से आएंगे, और अब तो हमने पहले ही सेव कर रखा है इसको, जैसे यहां से कट करेंगे तो ये सेव करने के लिए ये हो जाएगा, और यहां से डबल क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि ये डेटा अपने आप हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसमें एंट्री बना सकते हैं।